आज हम बात करने वाले हैं मोबाइल ब्राउजर्स की। मोबाइल ब्राउजर की जब बात होती है तो बहुत सारे ब्राउजर्स दिमाग में आते हैं जो कि ज़्यादातर पॉपुलर है, जैसे गूगल क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, सफारी हो गया, और इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं, वो नहीं बोलना चाहिए। बाकी सारे ब्राउजर्स ऑलमोस्ट मोबाइल पे सब लोग यूज़ करते हैं जो मैंने नाम लिए, और इनमें से हटके एक यूसी ब्राउज़र पिछले 1-2 साल में बहुत तेज़ी से ऊपर आया है। वो भी बहुत फेमस है मोबाइल ब्राउजिंग के लिए, क्योंकि उसका डेस्कटॉप वर्जन है नहीं, तो डेस्कटॉप पे तो कोई कंपटीशन है नहीं। बट मोबाइल प्लेटफॉर्म पे यूसी ब्राउज़र पिछले 2 साल में बहुत तेज़ी से ऊपर आया, और शायद इस समय सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला ब्राउज़र बन चुका है वो मोबाइल प्लेटफॉर्म पे। अब आ जाते हैं, इन सबसे हटके एक और ब्राउज़र आया है जिसका नाम है कीवी ब्राउज़र। ये एक्चुअली क्रोमियम, एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है गूगल का, उस पर बेस्ड है। मीन्स जिस प्रोजेक्ट पे गूगल क्रोम बना है उसी प्रोजेक्ट पे कीवी ब्राउज़र बना है। बट दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस सिर्फ ये है कि जो कीवी ब्राउज़र है वो थोड़ा सा बेटर है, उससे थोड़ा अच्छा है, चीज़ें कुछ चीज़ें सुधार दी गई हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा सिर्फ ये जानने के लिए कि कीवी ब्राउज़र क्यों अच्छा है और मैं क्यों उस पर वीडियो बना रहा हूँ। बिकॉज मुझे वो ब्राउज़र ऑलमोस्ट परफेक्ट लगा, ऑलमोस्ट इसलिए कि उसमें भी थोड़ी बहुत कमी है, वो भी बताऊँगा क्या है। तो आप इस वीडियो को देखिए पूरा, शुरू करते हैं। वॉचिंग वीलॉग टीवी। जिस बंदे ने ये ब्राउजर बनाया है वो बंदा एक एंड्रॉयड डेवलपर है। उस बंदे ने download.com वेबसाइट को बताया था कि उसने एक्चुअली ये ब्राउजर बनाया क्यों। उसने सिर्फ अपनी नीड्स पूरी करने के लिए बनाया था। अब आप सोचिए, कोई अपनी नीड्स के लिए, ये तभी पॉसिबल है जब कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी और फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं आपके अंदर से इनोवेशन निकालता है, तभी ये ब्राउजर आ पाया। और आज इसके 500,000 डाउनलोड्स हैं। मैंने पिछले महीने चेक किया था, शायद 100,000 डाउनलोड्स थे और अभी 500,000 डाउनलोड्स हैं, और बहुत जल्दी 1 मिलियन भी होंगे। कीवी ब्राउज़र और गूगल क्रोम आपको यूज़ करते टाइम इंटरफेस वगैरह में एकदम सेम लगेंगे, मीन्स आपको कोई खास डिफरेंस पता नहीं चलेगा। बट कुछ चीज़ें जो उसमें एनहांस की गई हैं वो आपको क्लियरली दिखेंगी। और दूसरी चीज़, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गूगल क्रोम में हैं और उसमें नहीं है, बट वो भी कहीं ना कहीं आपके एडवांटेज के लिए है। तो आप देख लीजिए, आप खुद जज करिएगा कि आपको गूगल क्रोम ज़्यादा बेटर लगता है या फिर कीवी ब्राउज़र। और एक और अच्छी बात या बुरी बात कह लीजिए, एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए कीवी ब्राउज़र है बट आईफोन यूज़र्स के लिए नहीं है। तो सॉरी फॉर आईफोन यूज़र्स। तो अब आपको दिखाता हूँ मैं कि क्या क्या फीचर्स उसमें हैं जो मुझे ये वीडियो बनाने पर मजबूर कर दिया जिसने, ठीक है। तो ये है OnePlus 6। तो इस फ़ोन ने मुझे कोई स्पॉन्सर नहीं किया है, बस ये फ़ोन अच्छा है इसलिए इस पे ही बना रहा हूँ। बाकी अब हम सबसे पहले काम कर लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं कीवी ब्राउज़र को, क्योंकि उसके फ़ीचर जानने हैं तो पहले इंस्टॉल तो करना पड़ेगा। ये हम गए प्ले स्टोर में, यहाँ हमने डाला KIWI ब्राउज़र, ये मैंने अभी सर्च किया होगा तो शायद वो शो हो रहा है। यहाँ पे इंस्टॉल, नेट की स्पीड पे डिपेंड करेगा कितनी देर में होता है, और नेट की स्पीड तो ज़बरदस्त आ रही है। ये ब्राउज़र डाउनलोड हो चुका है, अब हम इसको खोल के देख लेते हैं इसमें एक्चुअली इसका इंटरफेस कैसा है। अब आपको मैं क्यों बोल रहा था कि ये क्रोम जैसा है, आप इसका इंटरफेस देखिए, एकदम क्रोम जैसा आता है फील, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस इसमें जो एडिशनल चीज़ें हैं वो ये हैं कि जो फ्रीक्वेंटली, मतलब जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर ऐप्स हैं वो इसके फ्रंट पेज पे हैं। नीचे कुछ न्यूज़ फीड्स दिखती रहेंगी आपको स्क्रॉल करने पे। बाकी ये एड्रेस बार है, यहाँ पे जो भी आप एड्रेस बार में डालेंगे वो खुलेगा ही खुलेगा। इनकॉग्निटो भी वैसे ही वर्क करता है जैसे गूगल क्रोम में करता है। मल्टीपल टैब्स भी वैसे ही खुलते हैं जैसे गूगल क्रोम में खुलते हैं, तो कोई खास डिफरेंस वैसा तो नहीं है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ डिफरेंसेस क्या हैं, मीन्स ये सब तो चीज़ें पता चल गई जो सिमिलर हैं, प्लस जो एडिशनल चीज़ आपने देखी बस ये है कि इसमें कुछ फेमस ऐप्स पहले से हैं प्लस न्यूज़ फीड्स हैं, जो कि न्यूज़ फीड्स तो अब गूगल क्रोम में भी आती हैं। अब बात कर लेते हैं डिफरेंसेस की। तो सबसे पहले ये खोल के देखते हैं, तो इसमें जो मुझे सबसे अच्छा फीचर लगता है इस ब्राउज़र का वो है नाइट मोड। नाइट मोड इसको थोड़ा और खूबसूरत बना देता है, आप देख सकते हैं ये काफ़ी सुंदर लगने लगा अब, और ये मुझे इसकी बहुत बड़ी एडवांटेज लगती है। इस पेज को आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, इसमें अपने हिसाब की चीज़ें रख सकते हो, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है कि आप इनको इनसे इरीटेट हो गए आपको यही देखना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक तो हो गई नाइट मोड वाली चीज़, दूसरी चीज़ हो गई कि ये एड्स अपने आप ही ब्लॉक करता है, मीन्स जितने एड्स वगैरह वो सब ब्लॉक करेगा। आप देख सकते हैं नीचे सारे ट्रैकिंग कर रहा है कि कितने ऐड ऑलरेडी ब्लॉक हो चुके हैं।
तीसरी चीज़ इसमें जो बेहतर है, फ़ोन का साइज़ बहुत बड़ा है, जैसे अब ये है, मुझे यहाँ पर टाइप करना है ऊपर, तो यहाँ जाऊँ यहाँ बैठूँ, तो इससे अच्छा ये है कि टूल बार नीचे ले आऊँ, वो ज़्यादा एक्सेसिबल होगा। तो यहाँ पर हम सेटिंग्स में गए, सेटिंग्स में जाके एक्सेसिबिलिटी में जाके हम ले आते हैं बॉटम टूल बार। बॉटम टूल बार लाते ही बोलेगा रिस्टार्ट करो, तो हम रिस्टार्ट किए तो ये जो टूल बार ऊपर था हर चीज़ सर्च करने के लिए था, अब यहाँ पे हम उसको सर्च कर सकते हैं। तीसरा एडवांटेज जो, वो भी बहुत अच्छा ही एडवांटेज है, जो आप जितनी भी म्यूज़िक ऐप्स, जैसे कि आपकी सबसे फेवरेट मान लेते हैं यूट्यूब ही है, यूट्यूब जब आप चलाते हैं तो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि यूट्यूब बैकग्राउंड में नहीं चल पाता, तो ये ब्राउज़र हमारी ये वाली कमी भी पूरी कर रहा है। अब आप देख लीजिए कैसे, सपोज़ यहाँ पे हमने कुछ सर्च किया, तो अब ये वीडियो है, ये वीडियो मैं चला रहा हूँ और मैंने YouTube हटा दिया, अभी भी चल रहा है। मैंने YouTube खोला, मैंने स्क्रीन ऑफ कर दी, अभी भी चल रहा है। ठीक है, तो एक ये एडवांटेज होगी, गाना अच्छा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर अच्छा लगे तो। अब दूसरा जो फीचर है आपको इसमें, जो दूसरा एक अच्छा फीचर जो मिलेगा वो ये है कि आप इसमें ट्रांसलेट कर सकते हैं किसी भी पेज को किसी भी समय। जैसे आपने सपोज़ फेसबुक खोला और फ़िलहाल ये हिंदी में है, तो जब ये हिंदी में है तो आप यहाँ पे जाएंगे, आप देखेंगे ट्रांसलेट, तो ये जो इसकी ऑलरेडी लैंग्वेज है उसको ऑटो डिटेक्ट कर लेगा और आपको जिसमें ट्रांसलेट करना है ये अब इसने डिटेक्ट कर लिया कि चाइनीज़ लैंग्वेज में था, और अब इसने आपको ट्रांसलेट करके दे दिया ये इंग्लिश में। आप चाहते हैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना तो आप हिंदी में जाएंगे और इसको ट्रांसलेट को दबाएंगे, तो अब ये हिंदी में हो गया। तो ये एक इसका फ़ीचर बहुत अच्छा है, और भी मैं आपको इसके फ़ीचर्स बताता हूँ। एक चीज़ जो आप इसमें और कर सकते हैं वो ये है कि आप सेटिंग्स में जाइए और इसमें एक दिया होता है ट्रैकिंग, आप इसकी ट्रैकिंग ऑफ कर सकते हैं प्राइवेसी में जाके। डू नॉट ट्रैक को अगर आप ऑन कर देंगे तो जो फालतू की साइट्स आपका डेटा ट्रैक करती हैं उसी के अकॉर्डिंगली आपको एड्स दिखाती हैं, वो आप इसको, उससे आप बच सकते हैं, तो ये एक और अच्छी चीज़ है। और एक और चीज़, आप इसको अपने मेमोरी कार्ड में शिफ्ट कर सकते हैं, बट ये हर फ़ोन के लिए अवेलेबल नहीं है ये फ़ीचर कि आप इसको मेमोरी कार्ड में शिफ्ट करें, जिसमें सैमसंग्स के कुछ फ़ोन में तो चल जाता है, बाकी हर फ़ोन में नहीं सपोर्ट करती ये चीज़। जो फेसबुक बहुत चलाते हैं उनके लिए एक थोड़ी सी इसमें जो मैं डिसएडवांटेज कह रहा था वो ये है, जब भी आप फेसबुक इसमें खोलेंगे तो आपको उसका वेब वर्जन ही यहाँ पर देखने को मिलेगा, आप मोबाइल वर्जन में ये साइट को अपने आप सिंक नहीं करता, ये वेब वर्जन में ही चलाता है, और ये एक मुझे डिसएडवांटेज लगा क्योंकि फिर आपको हर चीज़ जूम कर करके देखनी होगी, तो ये एक प्रॉब्लम है इसमें। बाकी ये ब्राउज़र बहुत बेहतरीन है, मुझे लगा यूट्यूब वाला बहुत फीचर अच्छा है, नाइट मोड वाला फ़ीचर बहुत अच्छा है, और एड्स नहीं दिखाएगा यूट्यूब में, जो एड्स आते हैं वो ऑटोमेटिकली उसको ब्लॉक करेगा, तो हम जैसे यूट्यूबर के लिए तो दिक्कत वाली चीज़ है, बट कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। तो इसमें आप जो भी चीज़ें देख रहे हैं सब लगभग गूगल क्रोम से ज़्यादा ही है, कम तो कुछ है नहीं। अब इसमें जैसे ये क्लियर डेटा का ऑप्शन आ रहा है, आप डेटा क्लियर कर सकते हैं, जो कि गूगल क्रोम के वेब वर्जन में है बट मोबाइल वर्जन में नहीं है। जैसे ये आप, मैंने क्लियर हो गया तो पूरी कुकीज़ वगैरह सब कुछ क्लीन कर देगा, तो ये ब्राउज़र ओवरऑल परफेक्ट है, मैंने कहा ही था। इसमें एक आध कमियाँ यही हैं कि ये सपोर्ट नहीं करता फेसबुक को वेब वर्जन, ऐसे ही कुछ और पेजेस भी खुलते हैं तो वो डायरेक्टली मोबाइल वर्जन में नहीं उठा पाता, तो ये एक दिक्कत आती है, बाकी और मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम फेस नहीं की मैंने। अब ये लैग क्या करता है, ये लैग करता है गूगल सिंक फीचर। गूगल सिंक फीचर मींस गूगल, अब आप जो भी ब्राउज हिस्ट्री, आपकी पूरा डेटा जो आपने इसमें गूगल क्रोम में फीड किया, वो सारा कहीं ना कहीं डेटा अपने सर्वर को भेजता है गूगल, तो वो फीचर ये सपोर्ट नहीं करेगा। ये एक्चुअली में डिसएडवांटेज है, इसमें ये डिसएडवांटेज बेसिकली है इसलिए कि कोई गूगल क्रोम किसी भी थर्ड पार्टी ऐप को ये चीज़ अलाउ नहीं करता कि वो सर्वर वहाँ से उठाए, तो गूगल क्रोम का खुद का तो ब्राउज़र है नहीं है, बस उसके प्रोजेक्ट पे बना है क्योंकि ओपन सोर्स प्रोजेक्ट था, लेकिन जिसने बनाया है, जिस डेवलपर ने, उसने कहा कि यही इसमें कहीं ना कहीं एडवांटेज भी है कि आपका डेटा प्राइवेट रहेगा, मीन्स आपका डेटा कहीं सर्वर पर जा ही नहीं रहा है, मीन्स आपकी हिस्ट्री प्राइवेसी सब सेफ है। तो आप इसको कैसे लेते हैं, आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको ये फीचर लग रहा है या आपको ये कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज लग रहा है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं और ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू।